तो है कुछ इस तरह का दो बोतल। तो इसे आज हम बनाने वाले हैं एक छोटा सा नाव या बोट कह सकते हो। तो कुछ इस तरह से हम ग्लू गन की मदद से थोड़ा थोड़ा ग्लू देते हैं और बोतल को कुछ इस तरह से चिपका लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से अच्छे से हम इसमें और ग्लू भरते हैं ताकि ये बोतल बाद में ना निकले। तो कुछ इस तरह से फटाफट हम इसको चिपका लेते हैं, ग्लू को पूरा भर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से ये भर चुके। अब गाइस इसमें लगाना पड़ेगा एक कुछ इस तरह का कार्डबोर्ड। तो हमारे पास है कुछ इस तरह का कार्डबोर्ड, तो इसी को भी हम ग्लू थोड़ा सा दे देते हैं अच्छे से। इसमें आप ग्लू गन की मदद से ग्लू थोड़ा सा देना अच्छे से मतलब, और इसको हम चिपकाते हैं कुछ इस तरह से। तो ये चिपक चुका। इसके बाद एक मोटर चिपकाएंगे इसके ऊपर। तो कुछ इस तरह से इसको बीचों बीच लगाना गाइस। आप थोड़ा इधर उधर मतलब टेढ़ा वगैरह मत लगाना, मतलब बीचों बीच फिक्स लगाना, तभी ये काम करेगा, नहीं तो आपका बोट टेढ़ा भी जा सकता है। तो इसमें आप पावरफुल वाला मोटर भी लगा सकते हो। हम यहाँ पर पावरफुल नहीं, हम एक डीसी मोटर ही लगा रहे हैं, मतलब पावरफुल डीसी मोटर लगाना। और कुछ इस तरह का है एक ऑफ ऑन स्विच को भी हमने लगा दिया है। चिपका लेने के बाद कुछ इस तरह का ये एक लिथियम बैटरी, तो इसको भी हम बीचों बीच चिपकाते हैं गाइस। मतलब अगर एक साइड चिपकेगा तो ये बोट एक साइड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से बीचों बीच इसको ग्लू अच्छे से इसको हम भरते हैं ताकि बाद में ना निकले गाइस, नहीं तो बाद में ये निकल जाता है। तो हम इसको अच्छे से ग्लू को भरेंगे चारों तरफ से। कुछ इस तरह का भर चुके हैं। अभी मोटर पर भी थोड़ा दे देते हैं ग्लू कुछ इस तरह से। और अब हम इसको करेंगे कनेक्शन वगैरह। हम पहले ग्लू दे देते हैं। अब कुछ इस तरह से भर दिए हैं ग्लू को चारों तरफ से। अभी ये मोटर निकलने का बिल्कुल चांस नहीं है, मतलब कुछ इस तरह का है। तो हम इसको करेंगे सोल्डरिंग आयरन। तो ये है सोल्डरिंग पेस्ट और ये है एक कुछ इस तरह का तार, मतलब ये पिघलता है, देख सकते हो। सोल्डरिंग आयरन हमारा तैयार है सोल्डर करने के लिए। तो हम इसमें थोड़ा सा पेस्ट देते हैं। पेस्ट देने से ये जल्दी पिघल जाता है और जल्दी चिपक जाता है, अगर नहीं देने से थोड़ा सा ये लेट करता है। तो कुछ इस तरह से हम पेस्ट को फटाफट देते हैं सभी में थोड़ा थोड़ा करके। लिथियम बैटरी में भी दे देते हैं कुछ इस तरह का। अब गाइस अब हम इसको सोल्ड करेंगे। अब वायर में थोड़ा सा ले लेते हैं। अब ये कुछ इस तरह सोल्डरिंग आयरन, तो ये इसको चिपकाते हैं कुछ इस तरह से। ये सोल्ड हो चुका। अब हम थोड़ा सा इसमें इधर बैटरी में भी सोल्ड मार लेते हैं एक, तो ये पूरा हो जाता है गाइस, एक बार में ही सोल्ड हो जा रहा है। अब हम इसको कुछ इस तरह से कनेक्शन कर रहे हैं, देख सकते हो। यहाँ पर है प्लस वाला मोटर का, प्लस वाला को हमने स्विच में डाला है और माइनस वाला को डायरेक्ट बैटरी में डालेंगे स्विच में। उसके बाद कुछ इस तरह से डायरेक्ट हम इसको देख सकते हो, आप देख के ही कनेक्शन कर सकते हो, मतलब कुछ इस तरह का है। तो ये कनेक्शन ओके हो चुका है गाइस। अब हम इसको करेंगे टेस्ट वगैरह। तो देखते हैं, इसको सबसे पहले टेप थोड़ा सा चिपका लेते हैं कुछ इस तरह से। हम इसको टेप मार देंगे यहाँ पर ये वायर को। ये मतलब माइनस का वायर है सीधा ये बैटरी में, और हमने प्लस का वायर को एक स्विच में लगाया है और बैटरी में कनेक्शन है कुछ इस तरह से। सिंपल सा कनेक्शन है, आप इसे इजीली से कनेक्शन कर सकते हो। तो हम इसको टेप वगैरह पूरा लपेट दिए हैं। अभी हम इसको एक फैन लगाएंगे। फैन कुछ इस तरह का ये घूमेगा तभी आगे बढ़ेगा हमारा बोट। तो कुछ इस तरह का हमने इसको भी बना लिया है। तो ये पूरा कंप्लीट होता है। इसको हम चालू करके देखते हैं, ये ओके है पूरा। तो हम जाते हैं पानी के पास। तो गाइस हम आ चुके हैं और पानी पे, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का बोट है। तो अब हम इसको तैराने वाले हैं पानी के ऊपर। तो रख दिए हैं, अभी हम इसको करते हैं ऑन। तो गाइस ये देख सकते हो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ठीक है, 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 ठीक है,